नमस्कार। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा इस चुनाव में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, जिसके तहत पार्टी कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है। वैसे भी पीएम मोदी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, वे हमेशा परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ऐसे में इन कड़े फैसलों के चलते निश्चय ही अपने उनके साथियों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है, वहीं कुछ को फायदा भी मिलने वाला है। पीएम मोदी आगामी 2024 के चुनाव को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जानकार बताते हैं कि मोदी अपनी पार्टी व टीम में और धार देने के लिए कैबिनेट के साथ साथ संगठन में भी बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और यह फेरबदल बदलाव इसी महीने होने जा रहा है। ऐसे में कई वरिष्ठ मंत्रियों की अगर छुट्टी हो जाती है जो बराबर मीडिया में छाए रहते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मोदी इसके लिए जहां परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देंगे, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा फैक्टर सामने जो आ रहा है वह उम्रदराज मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना। सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार 70 वर्ष से अधिक उम्र के मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुकी है, वहीं उनके स्थान पर कई युवा मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे भाजपा टेलर के रूप में लेना चाहती है और किसी भी रूप में उसकी कोशिश 9 राज्यों में जीत हासिल करना है। ऐसे में वह उम्र दराज मंत्रियों को बैठाकर उनके स्थान पर युवा मंत्री व नए चेहरों को मौका देना चाह रही है, जिससे वह इस वर्ष लोकसभा के सेमीफाइनल मैच में आसानी से जीत हासिल कर सके। इसके लिए मोदी सरकार बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा कर्नाटक पर विशेष फोकस करने के लिए कुछ यहाँ के चेहरों को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिसमें राजस्थान के 2 चेहरों की जोरदार चर्चा है। वैसे मोदी कैबिनेट में जल्द ही इस फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। किन चेहरों को जगह मिलेगी और किन की छुट्टी होगी, इसका फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह ही पता होगा, लेकिन अलग अलग तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार में जिन मंत्रियों की उम्र ज़्यादा हो गई है उनकी छुट्टी हो सकती है। मोदी सरकार में वैसे तो 75 साल की उम्र को आधार माना गया है, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 12 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है और मोदी सरकार उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा सकती है। वैसे निश्चय ही जब भी किसी भी मंत्री या किसी बड़े ओहदे से लोगों को हटाया जाता है तो निश्चय ही उनमें नाराजगी होती है, और ऐसे में पार्टी ने इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भी रास्ता खोज लिया है, जिसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले हम देखते हैं कि वह कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अगर आज मोदी सरकार में सबसे उम्र के मंत्री की बात की जाए तो वह है सोम प्रकाश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश का जन्म 3 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसके हिसाब से उनकी उम्र अब 73 साल की है। वहीं दूसरे उम्र दराज मंत्री की अगर बात की जाए तो वह है राव इंद्रजीत सिंह, जो 1 महीने बाद ही 73 साल के हो जाएंगे। वह आज मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ योजना मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी उनके पास है। वो 5 बार के सांसद हैं। मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद से लगातार 2 बार सांसद बने जनरल बीके सिंह का जन्म 15 मई 1951 को हुआ था। इस तरह से उनकी भी उम्र 71 साल 7 महीने हो चुकी है। मोदी टीम में वह अभी सरकार में सड़क परिवहन के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। चौथे मंत्री की अगर बात की जाए तो वह है राजनाथ सिंह। मोदी सरकार में सबसे कद्दावर ताकतवर मंत्रियों में से एक राजनाथ सिंह की उम्र भी 71 साल 5 महीने हो चुकी है। वो वर्तमान में लखनऊ से सांसद हैं। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में उनके पास गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। वह जहां 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं 6 बार सांसद भी रहे हैं। मोदी सरकार में ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर बनाए गए हरदीप सिंह पुरी की उम्र भी 70 साल पार कर चुकी है। 15 फरवरी 1952 को जन्मे पुरी की उम्र करीब 71 वर्ष हो चुकी है। वहीं अभी यूपी के राज्यसभा सांसद हैं।
इसके साथ ही महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे की उम्र भी इस साल 10 अप्रैल को 71 साल की हो जाएगी। राणे मोदी सरकार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस जो हाजीपुर से सांसद हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस की उम्र भी 70 साल से ज्यादा है। पशुपति कुमार पारस 12 जुलाई को 71 साल के हो जाएंगे। इसके साथ ही विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन भी 70 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। इसके साथ ही इस सूची में चर्चित नामों व बराबर मीडिया के सुर्खियों में बने रहने वाले बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह भी हैं, जिनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय व पंचायती राज मंत्रालय का प्रभार है, जिनकी उम्र भी 70 पार हो रही है। इसके अलावा श्रीपद यशो नायक जो 5 बार से सांसद हैं, जो पर्यटन मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं, उनकी उम्र भी 70 पार हो चुकी है। इस बार उत्तरी गोवा से वो सांसद बने हैं। इसके अलावा बिहार के आरा के सांसद आरके सिंह की उम्र की अगर बात की जाए तो उनकी उम्र भी 70 पार हो चुकी है। उनके कंधे पर बिजली मंत्रालय व नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार है। अब आइए देखते हैं कि भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए अपनी क्या ब्लूप्रिंट तैयार की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा इन 70 वर्ष से अधिक उम्र के मंत्रियों को आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, जिससे उनका मान सम्मान व रुतबा बरकरार रहने के साथ उनका अनुभव का लाभ लिया जा सके। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सर्वोपरि है, जिन्हें अगर मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल 24 टाइम्स टुडे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।